नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीमेल आईडी सभी के पास होती है और गूगल का ये जो मेल है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हमें लगभग सभी चीज़ों के लिए एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा सिक्योरिटी के पर्पज़ से जीमेल आईडी आपके सभी अकाउंट्स में जो है लिंक होती है, तो आपको इसको सुरक्षित कैसे रखना है। और जब भी आप इसको लॉगिन करते हैं, अक्सर ऐसा होता है हम पासवर्ड भूल जाते हैं। और दोस्तों, जब पासवर्ड की कहानी आती है और मान लीजिए कि किसी दिन आपका मोबाइल भी खो गया है, आपको पासवर्ड भी याद नहीं है, आप अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करके ये सब बंद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन को भी जो है ट्रेस कर लिया जाए, ये भी जो सारी बातें होती हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पासवर्ड का। लेकिन अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में दोस्तों, आपको करना क्या है, ये जो हमारा जीमेल अकाउंट होता है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बैकअप कोड ऑप्शन दिया जाता है जीमेल के द्वारा। आपको यहाँ क्लिक करना है अपने अकाउंट पे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ लिखा रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शंस लिखे हैं, हमें चलना है सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी पर जाने के बाद जो है, यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो आपको पता चलेगा रीसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, साइन इन टू गूगल। आपको जाना है दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन पे। ये बहुत ही एक कॉमन सा प्रोसेस अब बचा है, सभी लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब आप जीमेल को कहीं दूसरे नए डिवाइस पर लॉगिन करते हैं तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज भेजा जाता है, एक रैंडम मैसेज, जिसको आप पता कर सकते हैं कि आप जो है एक नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर लॉगिन हो रहे हैं। आप वहाँ से अप्रूवल भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए टू स्टेप वेरिफिकेशन पर। और हमें दोस्तों यहाँ पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद जो है, यहाँ ऑप्शन आता है, हमने हमारा मोबाइल अटैच कर रखा है, बहुत कॉमन सी बात है, और फ़ोन नंबर भी आप देख रहे हैं जो कि वेरीफाइड है यहाँ पर, और टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज जाता है जब हमें ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है बैकअप कोड्स का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैकअप कोड्स आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 10 सिंगल यूज कोड्स आर एक्टिव एट दिस टाइम बट यू कैन जनरेट मोर एज नीडेड। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। मैं क्लिक करके बता देता हूँ, मैंने जो मेरे 10 कोड्स जो है जनरेट कर लिए हैं, वह 10 कोड आपको जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। ये 10 कोड हैं, 2 दिन पहले ही बनाए हैं, और इन कोड्स की मदद से ही जो है हम इनको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट कोड, डाउनलोड कोड, तो आप जो है इसको कहीं पर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, आप इसको प्रिंट कीजिए, प्रिंट करके कहीं पर रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एक बार में एक कोड इस्तेमाल होता है, अगर आपके 10 कोड इस्तेमाल हो जाएँ तो आप फिर से जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ से अपना कोड जो है क्रिएट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, और अब मान लीजिए आप इसके थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये दूसरे ब्राउज़र पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारी जीमेल आईडी है और मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हम पासवर्ड भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है, तो हम ऑप्शन पर चलेंगे फॉरगॉट पासवर्ड के। यहाँ चलने के बाद देखिए दोस्तों, लिखा आ रहा है कि आप फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं मानकर चल रहा हूँ कि मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे ट्राई अनदर वे पर। यहाँ चलने के बाद जो है दोस्तों, आपको देखिए ये देखने के लिए मिल रहा है कि वेरिफिकेशन कोड, अब क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है तो मैं वेरिफिकेशन कोड नहीं सेंड कर सकता। इसके ऊपर आपको देखने मिल रहा है एंटर वन ऑफ योर 8-डिजिट बैकअप कोड, आप यहाँ क्लिक कीजिए, और जो दोस्तों आपने प्रिंट निकाल कर रखा था 8-डिजिट का जो आपका बैकअप कोड था, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ डालने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप आसानी से अपने जीमेल आईडी पे लॉगिन कर पाएंगे। और ये बैकअप कोड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपने आज इस वीडियो में समझ लिया होगा।
इस वीडियो में जो है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी आपको कोड देखने मिल रहे हैं ये सभी जो है 8 डिजिट के कोड हैं, और इन कोड्स को वहाँ पर डालने के बाद भी आप आसानी से लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था बैकअप कोड्स को और लॉगिन कैसे करना है ये बताने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये प्रोसेस समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।